अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल डबल चीज़ चिकन बर्गर। जैसे कि आपको पता है कि आजकल पेंडेमिक फैला हुआ है और बहुत से लोग और हम लोग भी बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे, तो बच्चे जो हैं उनको बर्गर्स बहुत पसंद हैं, तो इसलिए आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए चिकन कीमा 1 kg, यानी कि 1 किलो, 1.5 टीस्पून नमक या हसबे जायका, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर फुली हीप्ड, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, इटालियन हर्ब, ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको अवेलेबल हो तो आप ये ज़रूर डालिएगा। ये हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ली है। 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, मिंट लीव्स कुछ चाहिए होंगे आपको, हमने यहाँ पे 3 से 4 अदद पत्ते ले लिए हैं उसके, यानी कि पुदीना, 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें, 2 अदद प्याज, और ये हमें फ्राइंग के लिए थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। और नाज़रीन, अब मैं आपको बता दूं कि टॉपिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। जो मुझे ज़्यादा पसंद है और जो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको वही बताऊंगी, ये आपकी बिल्कुल अपनी चॉइस है, जो आपको इसमें से अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर सेसमी सीड वाले बन लिए हैं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्याज लिया है और उसको रिंग्स की शक्ल में मैंने काट लिया है, बारीक बारीक, प्लीज़ आपने मोटा नहीं काटना, देखें कितना बारीक काटा मैंने, ये बिल्कुल बारीक होने चाहिए। अगेन मिंट लीव्स, उसको भी आपने बारीक बारीक काट लेना। हेलोपीनो, ये भी आपकी अपनी चॉइस है, हमारे घर में हेलोपीनो बहुत शौक से खाया जाता है, तो इसलिए हम बर्गर्स में भी हेलोपीनो लगा रहे हैं। सैलेड लीफ, चीज़ स्लाइसेस मेरे पास यहाँ पे दोनों हैं, येलो और वाइट। अगेन केचप आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको केचप लगानी हो, और ये प्लेन मेनीस और मस्टर्ड, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। और नाज़रीन, मैं आपको पहले बताती चलूँ कि इसका स्टेप नंबर 1 क्या है। तो आपने एक चॉपर ले लेना है और उसके अंदर पहले आपने प्याज, पुदीना और मिर्चें, पहले इनको आपने ग्राइंड करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी आपने आगे क्या करना है। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है, पुदीना, मिर्चें और प्याज। अब इसके बाद हम इसके अंदर कीमा डालेंगे और एक दफ़ा फिर इसको अच्छे से चॉप करेंगे। और नाज़रीन, कीमा इसके अंदर हमने डाल दिया है, अब आपने मसाले डालकर इसको फिर आपने चॉप कर लेना है। तो सारे मसाले जो हैं वो आप एक दफ़ा ही इसमें डाल दें। और इसको चॉप करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कैसी शेप होगी। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो कीमा है अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गया है, और अब हम इसकी पैटी बनाएंगे। और नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि आपने पैटी कैसे बनानी है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी साथ में रखा है, थोड़ा सा हाथ गीला करके फिर आप पैटी बनाएंगे। ऑयल मैंने थोड़ा सा डाल लिया है पहले ही, ताकि थोड़ा ये वार्म अप हो जाए। ऑयल ज़्यादा आपने हीट अप नहीं करना, वरना एकदम से पैटी जो है वो जल जाएगी, तो मीडियम पे इसको रखिएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल यहाँ पे लिया है, और आप थोड़ा सा अपने आप प्लीज़ हैंड्स जो अपने हैं वॉश कर लीजिएगा, मैंने पहले ही कर लिए थे, और अब आपने जो है पैटी बनानी है। पहले इसको आप बॉल बना लें, ये कितनी स्मूथ बन रही है, क्योंकि ये ट्रिक है कि आप पानी के साथ करेंगे तो बड़ी स्मूथ बनेगी पैटी। उसके बाद हल्का सा आपने इसको दबाना है, तो ये देखें आपकी कितनी अच्छी जो है पैटी
राउंड रेडी हो गई है, अब इसको आप फ्राई करेंगे। और इसको आप फिर हल्का सा प्रेस कर दें, इसकी वजह यह है कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और स्मूथ इसको कर दें। तो देखें कितनी खूबसूरत पैटी जो है ये रेडी हो गई है फ्राइंग के लिए। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है ये पैटी फ्राई हो रही है। मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि फ्लेम जो है वो मीडियम पे है। नाज़रीन आपने इसको इस साइड पर उतनी देर तक रखना है जब तक ये साइडें जो हैं ये वाइट ना हो जाए। आप देख सक रहे हैं कि ये साइडें जो हैं ये वाइट हो गई हैं। मैं क्लोज़अप कर रही हूँ कैमरे का कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि उसकी जो कलर है उसका वो किस तरह का हो रहा है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं वो सारी वाइट हो गई हैं। अब इसको आपने फ़्लिप करना है। प्लीज़ अपना ध्यान से आप फ्लिप करिएगा कि छींटे आपके ऊपर ना पड़े। और थोड़ा सा इसको आपने हल्का सा प्रेस कर देना ताकि अंदर से पक जाए। और नाज़रीन जब तक ये पैटी हमारी रेडी हो रही है उतनी देर में आपको बताती चलूँ कि प्याज को आपने क्या करना है, जो हमने रिंग्स की शक्ल में काटा था तो उसको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है पुदीने के साथ। तो आपने फ्राइंग पैन ले लेना है और उसके अंदर वन टीस्पून आपने ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। इसको हल्का सा फैला लें और उसके अंदर प्याज डाल लें। और इसको आप फ्राई कर लें। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर मिंट लीव डालेंगे। और नाज़रीन आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बिल्कुल हल्का सा हमने ब्राउन करना है। और अब इसके अंदर आप मिंट लीव डाल दें और इसको हल्का सा हिलाकर आपने साइड पे कर लेना है। इसको ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा आपने सॉफ्ट करना है। बड़ी खूबसूरत इसकी खुशबू आती है और बर्गर में बहुत मज़ा आता है इसका। और नाज़रीन आप चेक करते हैं कि साइड इसकी फ्राई हो गई है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन हो गया है। इसको 5 मिनट हम और पकाएंगे और फिर इसको टॉपिंग के लिए ले जाएंगे। नाज़रीन दोनों साइड्स जो हैं इसकी लाइट ब्राउन हो गई है और अब इसको हम डिश आउट करेंगे और उसके बाद इसको टॉपिंग्स आपको बताएंगे कि कौन सी टॉपिंग इसके अंदर लगानी है। और नाज़रीन टॉपिंग्स लगाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप जो बन्स हैं उनको हल्का सा आप सेक लें तवे पर। अगर आपके पास टोस्टर है तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन बहुत से लोगों के पास नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं इसी में आपको बता दूँ क्या करना है। तो आपने फ्राइंग पैन लिया और हल्का सा आपने 1/2 टीस्पून ऑयल किया, बिल्कुल थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के लिए। अगेन इसको आप हल्का सा हिला लें और फिर आप बन को हल्का सा इसके अंदर सेक लें, इससे ज़रा बन जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखें ब्राउन हो गया है, इसको अब निकाल लें। और अब इसके अंदर हम टॉपिंग्स लगाएंगे। और नाज़रीन अब हम टॉपिंग्स लगा रहे हैं। अगेन आपकी बिल्कुल अपनी चॉइस है, जो आपको वेजीज पसंद हैं या जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप लगा लें, लेकिन मैं जो लगा रही हूँ, हम लोग जो लगाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने मेयोनीज़ लगानी है, जो बॉटम वाला इसका पार्ट होता है उसके अंदर। उसके बाद आपने सैलेड लीफ रखना है
और उसके बाद आपने चीज़ लगानी है। एक चीज़ जो होगी वो पैटी के नीचे आएगी और एक ऊपर आएगी। तो मैं पहले वाइट चीज़ रख रही हूँ उधर, और फिर आपने पैटी रखनी है, और उसके बाद आपने इसमें हेलोपीनोज रखना है, और साथ में ही आप अनियंस भी रख दें। और उसके बाद आपने एक दफ़ा और चीज़ लगानी है। और इस पे आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चाहें तो कैचअप लगा लें, या चाहें तो आप मेनीज भी लगा सकते हैं। तो मैं और कैचअप और मस्टर्ड, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड लिया है, और मैंने यहाँ पे कैचअप ली है। और हमारे घर में और कोई मस्टर्ड नहीं खाता ना केचप, तो ये वाला जो बर्गर है ये मेरा ही होगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा और स्मूथ मिक्सचर बन गया इसका। और उसके बाद आप इसको हल्का सा दबा दें। तो लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार चिकन डबल चीज़ बर्गर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये रेसिपी जो हमने बनाई है, प्लीज़ हमें बताएं कि ये आपको कैसी लगी। और एक ज़रूरी बात, जो ये घंटी आ रही है इसको प्लीज़ आपने दबाना नहीं भूलना, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो कब लॉन्च होगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।